हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके गुरु नीति जेई के अगले चैप्टर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरु नीति जेई का 9 नंबर लेक्चर। इससे पहले हम 8 लेक्चर आपसे डिस्कस कर चुके हैं। 9 नंबर लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड सेकंड और एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसे आगे वाला है वो एसिड डेरिवेटिव और एन कंटेनिंग है। माइसेल्फ आरसी देवाल और मेरे साथ है नदी। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वेट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, The major product formed in the following reaction is। अब आप देखें, आप इधर से आपको यहाँ अल्फा पोर्शन पे लिविंग ग्रुप Br लगा हुआ है, Na(N3)N+N3-, और N3- तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है सर। यस सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्फा हेलो कार्बोनिल जैसे देता है ना, वैसे ये भी उसी तरह से यहाँ पे ये इफेक्टिवली SN2 रिएक्शन होने वाली है। तो N3- अटैक करेगा और इस Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। SN2 रिएक्शन होगी जैसा यहां लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपके पास COH और यहां पे N3। अब इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है वही मुझे बताना है कि N3 जो एजाइड है, ये एजाइड है, इसका रिडक्शन यदि H2 और PDC से करूं, पैलेडियम चारकोल और H2 से इसका रिडक्शन करूं, या फिर इसका रिडक्शन ये भी कर देता है LaH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट ये N3 को NH2 में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट इसी का बताना आपको। और ये H2PDC आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट करता है, सिस बनाता है, जस्ट लाइक लिंडलार कैटलिस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये बना, अब आगे आपको रिड्यूसिंग एजेंट डाला है तो N3 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो COH और यहाँ पे ये NH2, ऐसा ऑप्शन देखने जाओगे तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट ही मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन पूछा है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर बाई चांस इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं तब दिक्कत हो जाती, तब ये COH को भी सर किसमें बदल देता है, CH2OH में, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों का करेगा, दोनों का करता है। और मेटल कैटलिस्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड डेरिवेटिव का जनरली रिडक्शन नहीं करता है, ड्रास्टिक कंडीशन है तो वो बात है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मेजर प्रोडक्ट एस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है और आपको पता है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, बिल्कुल, जिसका एक फेमस नाम भी है इसका, बेंजोफिनोन। और बेंजोफिनोन की रिएक्शन NH2OH एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल एमीन से फेमस रिएक्शन ऑक्सिम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ऑक्सिम दो ही चीजों के लिए फेमस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑक्सिम केवल दो चीजों के लिए फेमस है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछता है, या फिर उसकी एक फेमस रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, वो है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो यहां सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की मैंने। तो यहां पहला तो देखो PHC डबल बॉन्ड O और ये PH ये दिया हुआ है, H2NOH सबने करवाई होगी रिएक्शन, ये H2 बाहर होता है। एनसीईआरटी में जाओगे तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है, कार्बेजाइड से कार्बेजोन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन, ठीक है, और वहां हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, एमीन से एमीन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एग्जांपल, हाँ एग्जांपल है। तो यहां पहले ये पहला कंपाउंड आपके पास PHC डबल बॉन्ड N और ये OH बन गया, ऑक्सिम बन गया, ऑक्सिम बन गया। उसके बाद H2SO4 और हीट, तो ऑक्सिम की रिएक्शन एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है, तो यहां रिएक्शन एक नेम रिएक्शन होती है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, ये ऑक्सिम एमाइड रीअरेंजमेंट है, ऑक्सिम से एमाइड बनता है, दिस इज ऑक्सिम एमाइड रीअरेंजमेंट। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर निकालने का तरीका भी बताऊंगा और इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास ऑक्सिम बना ये वाला PHC PH डबल बॉन्ड N और ये OH, तो H+ दिया हुआ है तो ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा, लोन पे है यहाँ पे, तो पहले एसिड बेस हो जाएगी, बन जाएगा PHC PH डबल बॉन्ड N और ये OH2। अब ये लिविंग ग्रुप बन गया, अगर यहां इसकी स्टीरियो होती तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, यदि स्टीरियो नहीं दी हुई तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड लगता है, बट आपके पास देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो किसी भी कोई ग्रुप को माइग्रेट करवा सकते हो, तो पहले ये बाहर होगा, तो बनेगा PHC और ये PH डबल बॉन्ड N और ये
पॉजिटिव, अब होगा रीअरेंजमेंट, माइग्रेशन हो जाएगा इसमें। हाँ, माइग्रेशन इस कार्बन पे, अब दोनों पीएच सेम है तो इस पीएच का माइग्रेट होगा। तो ये जो बना पीएच सी, ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड एन और ये पीएच, फिर आपको एच टू ओ दिया हुआ है ना, उसमें से कौन अटैकिंग है, ओ एच माइनस यहाँ क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, तो बन जाएगा पी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड एन और ये ओ एच, सॉरी पी एच, और टोटोमराइज, और टोटोमराइज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और ये पी एमाइड बन गया हमारा, ठीक है, ये एमाइड बन गया, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये तो ही मैकेनिज्म। अब इसका एक सीधा सा ट्रिक है, जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उसी का एमाइड बनाना है, ठीक है, उसी की तरफ एमाइड बनाना है, मतलब ये ऑक्सिम है। तो कलर चेंज करके देखें, जो ग्रुप मतलब ये ग्रुप आपने माइग्रेट करवाया, इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आप देखोगे आपके नोट्स में लिखाई हुई है, तो जो जिधर ग्रुप माइग्रेट करेगा उधर आपको NH का इंसर्शन करना है और बाकी इस पूरे को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा PHC, ये NH और ये PH पूरी को कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्ड O में, ये डायरेक्ट बेकमैन रिएजमेंट लगाओ, क्वेश्चन सॉल्वर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना जे के कर रहे हैं आप, तो यहां पर देखोगे कि कुछ लोग कहते ना कि सर यहां पर ये क्यों नहीं हो गया, तो यहां पर ये होता है, अगर यहां पर जैसे यहां पे अगर कराओगे बैक बॉन्डिंग तो फिर ये खींचेगा इधर से, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज सर तभी होगा जब ये हाईली स्टेबल कार्बोनिल बनता हो, तो एबनॉर्मल बेकमैन रिएक्शन, तो उसमें एबनॉर्मल बेकमैन रहती है, थोड़ी सी बहुत ही लेवल की बात हो गई, साइनाइड बन जाता है, साइनाइड इधर साइनाइड बन गया ना, ये इधर साइनाइड बन जाएगा और इधर फिर पॉजिटिव पे जो न्यूक्लियोफाइल उधर प्रेजेंट है वो एक ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पे फाइनली प्रोडक्ट अपना ये आ गया है, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के आगे देखते हैं, तो अपने पास आया था ये वाला, ये रिंग बनी, ये NH, ये CO और ये रिंग, ये फाइनल प्रोडक्ट आया अपना यहां पर, फिर ये तो सबको पता ही है BR, BR, FeBr3 एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट ये Br+ जो अटैक करेगा पहले तो उस रिंग पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल डेंसिटी जिस पर ज्यादा है, तो इस पे तो इसका माइनस आर लग रहा है कि ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम, बट ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, मतलब रिच ये वाली है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ये वाली है। अब इसमें कहा इसका प्लस आर लग रहा है, आपको पता है प्लस आर ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थो पे लगाऊंगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये कहां चला जाएगा, पेरा पे चला जाएगा, तो NH की पेरा पोजीशन पे जाएगा जिस पे NH लगा हुआ है, ऐसा ऑप्शन यहां वाला है, दैट इज करेक्ट आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस ये पूरे जेईई एडवांस सिलेबस बेस्ड है, आपको एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहां रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, ये बेसिक मीडियम दिया हुआ है और हीट दिया हुआ है। अब एक चीज बताऊं, काम की की पॉइंट पकड़ के रखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यदि है तो वो प्रोडक्ट एल्डोल का है, एल्डोल का, सही बात, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो वो प्रोडक्ट एल्डोल का है, वापस बोल रहा हूं, और ऐसे देखें अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल अगर है तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। अब बोलोगे सर कैसे, तो रिएक्शन से आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं लू ये करवाता हूं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, तो आप देखिए यहां पे ये वाला अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, अब ये किससे बना है, बेस से बना है, एल्डोल बेसिक मीडियम में होती है, तो इसको वापस से आप तोड़ के वापस इसकी रेट्रो एल्डोल करवा सकते हो, मतलब इनिशियल सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके लिए सर क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, जिधर ऑक्सीजन ऑलरेडी है H2 जोड़ दो और दूसरी साइड O जोड़ दो, तो ये बना किससे, ये इससे बना है CH3COH plus CH2H और ये COH एसिटल्डिहाइड से बना है इसका मतलब। अब आप इसकी करवाओगे ना तो देखो ये H यहां गया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, ये CH3OH CHH डबल बॉन्ड OH हीट दिया, H2O बाहर हो गया, ये बन गया, ये तरीका सही है, ठीक है ना, तो एकदम फैक्ट की बात करूं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तोड़ना कैसे है, जिधर ऑलरेडी ऑक्सीजन है उधर H2 लगाना है, दूसरी साइड
ऑक्सीजन लगाना है। और ये भी ध्यान रखना जिसका कार्बोनिल मेंटेन है ना उसका न्यूक्लियोफाइल बना है, सही बात है, और जिसका कार्बोनिल गायब हो गया CU गायब हो गया उसका इलेक्ट्रोफाइल बना है। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल बना है और इससे मैंने क्या करवाया है अटैक करवाया है। तो उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है क्या? अगर ये देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, तोड़ दो, ये लो इधर ऑक्सीजन है तो बैलेंस करके चलना भैया, बैलेंस तो इधर तो ऑक्सीजन और इधर केवल यहां आ जाएगा H2, ठीक है, जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतना लगा देना। तो ये देखो इधर से टूटा ये वाला इधर ऑक्सीजन जोड़ूंगा इस कार्बन पे तो डबल बॉन्ड O और ये H, और उधर से वापस लाऊंगा ये रिंग ये और ये, यहां मैंने दो H ऐड कर दिए और ये COCH3 इससे बना भैया, सही बात। देखो यहां से न्यूक्लियोफाइल गया इस पे क्या हुआ अटैक हुआ, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये ऑप्शन चेक करेंगे तो एल्डिहाइड को एक नंबर देंगे, नंबरिंग भी बता दें, बोलो एल्डिहाइड को एक नंबर देंगे तो देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 7 कीटो, तो यहां पे देखो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 एक कार्बन बढ़ा दिया हमने, सॉरी तो एक कार्बन कम कर देते हैं इससे, एक कार्बन ज्यादा हो गया है, ये ठीक है, और इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 3 नंबर पे आपके पास ये वाला ग्रुप होना चाहिए, 2 मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल है, 3 नंबर पे 2 मिथाइल इस पे आ रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नेम रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक में बच्चा नेम रिएक्शन को लेकर बड़ा कंफ्यूज होता है, तो मेरा कहना है कि नेम रिएक्शन को एक लिस्ट बनाएं और कौन सा रिएजेंट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है ये पता रखना ही होता है, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 2 एल्डिहाइड दिए हैं और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव केनिजा रिएक्शन, अगर सेम सेम के बीच में हुई तो सिंपल, बिल्कुल, डिफरेंट के बीच में हुई तो क्रॉस, सेम सेम के बीच में हुई तो सेल्फ बोल दो और दो डिफरेंट के बीच में हुई तो क्रॉस। तो यहाँ पे ये वाला जो पहला दिया हुआ है तो ये तो बेस के प्रेजेंस में, सेम सेम के बीच में हुई तो ये तो सेल्फ केनिजा, ये दो डिफरेंट के बीच में हुई तो ये हो गई क्रॉस केनिजा, और यहाँ ये C6H5 को बेंजोइन, ये केसियन बेंजोइन कंडेंसेशन, बिल्कुल ठीक है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन है तो इसका आएगा ये, और ये वाला है ये फेमस रिएक्शन है, दो बार एग्जाम में आ चुकी है परकिन रिएक्शन। अब थोड़ा सा इनके बारे में रिएक्शंस के बारे में बता देते हैं क्योंकि आगे भी इन चीज गाड़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो देखिए देखो पहला है C6H5COH और यहां दिया NaOH, तो हमने बोला इसका क्या करवाना है सेल्फ केनिजारो, अब केनिजारो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो कुछ नहीं करना, इसका एक बार ऑक्सीडेशन करवाओ एक बार रिडक्शन करवाओ, तो C6H5 को PHCH2OH ये रिडक्शन वाला और PHCOH ये ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन करवाया, बट सिंस रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही तो इसको सॉल्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सॉल्ट फॉर्म में जब तक कि एक्स्ट्रा H प्लस ना दे सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये सेल्फ के अंदर हो। दूसरा दिया है C6H5COH और HCOH और वही बेसिक मीडियम, तो ये क्रॉस केनिजारो, ये क्या हो जाएगी क्रॉस केनिजारो। अब क्रॉस केनिजारो में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि वहां तो किसी का भी ऑक्सीडेशन कराओ किसी का भी रिडक्शन करवाओ, बट यहां पे आपको ध्यान रखना है इस COH का ऑक्सीडेशन करवाऊं या इस COH का ऑक्सीडेशन करवाऊं, तो इसके लिए की पॉइंट है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है, या आप ऐसे कह सकते हो छोटा वाले का ऑक्सीडेशन करवाना है, स्मॉलर वाले का ऑक्सीडेशन करवाना है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसको हम ये बोलेंगे Which are more reactive towards nucleophilic addition undergoes oxidation? Oxidation. तो आपको पता है aromatic aldehyde तो less reactive होता है, सही बात। तो इसका oxidation करवाना है HCO-Na+ और उसका क्या करवाना है reduction, reduction करवाना है, ये cross carrier। Next आपके पास बोला था C6H5 PHCOH और यहां दिया था KCN,
बेंजोइन कंडेंसेशन इस रिएक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म देख ले। CN- क्या करेगा, ये सबसे पहले इस पे अटैक कर जाएगा, तो बन जाएगा PH CO- और ये H और ये CN। अब देखो जैसे CN जुड़ा ना, इस H की एसिडिटी बढ़ चुकी है माइनस आई इफेक्ट के चक्कर में, हाँ, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है ना वो CN के रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये यहां से क्या होगा, PHCOH दूसरा मोल आएगा, ये इधर से इधर आएगा सर, और ये H माइनस यहां से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, जस्ट लाइक जैसे हम करवाते हैं केनिजारो में। तो यहां से बनेगा, उधर तो बना PHC डबल बॉन्ड, ठीक है, ओ CN, ठीक है, और ये सॉरी ये CN भी बाहर हो जाएगा। अब इसमें ये देखना है हमें कि ज्यादा बेस्ट कौन सा है। देखो यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या कि ये जब इधर से इधर आएगा तो ये CN भी बाहर हो सकता है, CN गुड लिविंग ग्रुप भी हो गया। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सबसे पहले जो बेस है ना, एक बार उसको फिर से, पहले ये बना PHCO- और ये H और ये CN। अब या तो CN बाहर हो वापस से क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप भी है, या तो H जाए भाई, बट हमें बेसिक मीडियम है CN- तो इस H को हटा देगा, वो H को हटा के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये दूसरे मोल पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से अटैक करेगा और ये यहाँ से, तो उधर बन जाएगा PHCO- और ये CN, और इधर आपके पास बन गया CO- और इधर ये H और इधर ये PH, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से ये जब रिएजमेंट होगा तो ये वापस या ओमेगा CN को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और यहां बन जाएगा PHCO और ये CO- और ये H और ये PH। अब ये यहां से, ये यहां से यहां आ जाएगा और ये PH इधर से इधर चला जाएगा, तो ये PH और ये CO- और इधर आ गया आपके पास PH और ये COH। तो बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करें तो PHCOH और आपको दिया हुआ है KCN, तो KCN में K प्लस CN माइनस, ये CN माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा और बनेगा PHCO माइनस और ये H और ये CN। अब क्या हुआ, इस H की एसिडिक नेचर हो गई CN के माइनस आई इफेक्ट के कारण या CN के द्वारा माइनस R के कारण, तो ये बेस की तरफ व्यू करके इस H को अपनी तरफ उठा लेगा, तो जैसे ही बनेगा ये बन जाएगा PHCOH, ये नेगेटिव और ये CN। तो यहां CN के दो फंक्शन हो गए, एक तो इस H की एसिडिटी बढ़ाता है सर, सही बात, और एक इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी करता है, स्टेबलाइज भी करता है। तो यहां पे अब ये दूसरे मोल पे क्या करेगा, अटैक करेगा ये COH और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो बन जाएगा PHCOH और इधर बना CN और इधर CO- और ये H और ये PH। अब ये बेस की तरह है और इस CN के कारण इस OH की एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो ये H जाएगा, तो ये बनेगा PHCO- और ये CN और ये CHPH और ये OH, और अब CN गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो ये यहां से यहां ये बाहर हो जाएगा और बन जाएगा PHCO CHPHOH, this is benzoin। अच्छा एक बात इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे गुरुजी, लोग कहेंगे यार पहले क्यों नहीं निकाल दिया इसको तो पहले भाई एसिड बेस होता है ना, तो पहले एसिड बेस करा लिया, पहले एसिड बेस करा लिया, अब कहीं चांस नहीं था तो इसको निकाल। अच्छा ये गुड लिविंग क्यों है, आप ऐसे समझ सकते हो कि निकलेगा तो सी पर क्या आएगा, माइनस, और एसपी पर माइनस का होना क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए बात। अब पहले एसिड बेस था तो पहले एसिड बेस कराया, अब फिर उसके बाद आगे रिएक्शन को ले जाए, क्यों सर? हाँ, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फंक्शन ऑफ एल्कोहलिक केसीएन, केसीएन का क्या फंक्शन है, तो केसीएन के कई फंक्शन है, सीएन माइनस एक तो गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो अटैक कर जाएगा, दूसरा इस एच की एसिडिटी बढ़ाता है, तीसरा आल्सो गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ गुड लिविंग ग्रुप की तरह कार्य करता है, इसलिए यहाँ एल्कोहलिक केसीएन हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट थी हमारी पर्किन रिएक्शन, जो वेल नोन रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन जो थी वो ये थी, ये वाली, तो इसमें ध्यान रखें एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में सोडियम एसिटेट अगर लिया हुआ हो, तो ध्यान रखना रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये इस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, इस रिएजेंट से पहचान में आनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट ये जो सी एच ओ ग्रुप है ना सर, इसको अगर सी एच सी ओ एच में बदल दे तो इस रिएक्शन का क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ये बन जाएगा पी एच सी एच सी एच सी ओ एच, और साइड में ये भी एसिड में चला जाता है। तो दो टाइप के तो एसिड मिलते हैं, और एक फेमस कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सिनेमिक एसिड। और इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। इसका एक और स्पेशल फैक्टर है, दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट बात करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन पी विल बी, तो देखो आपको यहां पे मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता देता हूं, ये है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर दिया हुआ है, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये स्केलेटन दिया हुआ है, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहां न्यूक्लियोफाइल कंफ्यूज होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है उसके लिए दो वे हो जाते हैं अटैक करने के, कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, एडिशन, और ये होता है वन टू एडिशन। न्यूक्लियोफाइल यहां, इलेक्ट्रोफाइल यहां, तो इसको बोलते हैं वन टू एडिशन, या फिर न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक न करके न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा, इसको स्पेशल नाम माइकल एडिशन, माइकल एडिशन, या फिर इसको बोल देते हैं वन फोर एडिशन। अच्छा इसमें सर बच्चा ना होता वन फोर एडिशन है ये, सही बात, बट एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सी एच और न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया, फिर यहां ये सिंगल बॉन्ड सी एच, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, एच प्लस होता है हमेशा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, एच प्लस, तो ये सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच और ये एच, तो ये वन फोर। अब ये टोटोमराइज होके यहां से यहां जाता है, तो सी एच न्यूक्लियोफाइल और ये सी एच एच ये इलेक्ट्रोफाइल, तो सी ओ एच। अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए अगर उसमें माइकल एडिशन हुआ है तो यहां तो भेज दो न्यूक्लियोफाइल को और यहां भेज दो इलेक्ट्रोफाइल को, बट ध्यान रखना ये नजर आता है वन टू, लेकिन है नहीं सही, बट ये है नहीं, है तो ये वन फोर, वन टू तो टोटोमराइज से आया, टोटोमराइज से आया, सही बात। तो माइकल एडिशन वन फोर एडिशन है, तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, न्यूक्लियोफाइल को यहां टिका दो, इलेक्ट्रोफाइल को यहां टिका दो, डायरेक्ट एडिशन करवाना है तो ये यहां न्यूक्लियोफाइल और यहां इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है कि कहां तो माइकल करवाएं और कहां डायरेक्ट करवाएं, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है, साफ करो सर, देखो इधर भाई, यहां ये जो है ना ये हार्ड सॉफ्ट अट्रैक्शन होता है, सही बात, दिस इज हार्ड, हार्ड को अट्रैक्ट करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट को अट्रैक्ट करता है। अब हार्ड और सॉफ्ट को हम कैसे समझें, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट की तो पूरी टेबल बनती है, कि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो उस वहां तक जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो बहुत लंबी टेबल है। हम यहां बात करते हैं कि हार्ड हार्ड को अट्रैक्ट करेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो पहले तो हम ये लिस्ट बना लेते हैं कि सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या है। हार्ड का मतलब आपको सीधा सा कंसेप्ट समझना है, हार्ड का मतलब मोर चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल, हार्ड का मतलब मोर चार्ज डेंसिटी। अब मैंने चार्ज डेंसिटी लिखा है, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सॉफ्ट का मतलब होता है लेस चार्ज डेंसिटी, ये बेहतरीन चीज है, हर जगह आपको YouTube पे सर्च, पूरी YouTube पे सर्च करोगे तो भी ये कंसेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहां मैंने बोला कि हार्ड का मतलब है मोर चार्ज डेंसिटी, सॉफ्ट का मतलब है लेस चार्ज डेंसिटी। जैसे आर एल आई और आर एम जी अक्ष, आर टू सी यू एल आई, तो इनका जो R- है ना उस पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव डेंसिटी है, क्योंकि ये जो साइड में लगे हो ना इनपे इनका साइज छोटा है, तो छोटा साइज है तो ज्यादा पॉजिटिव डेंसिटी है, पॉजिटिव डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव डेंसिटी भी ज्यादा चाहिए। तो ये तो है हार्ड, और जिलमांस रिएजेंट, ये जिलमांस रिएजेंट है, ठीक है, इसका आर जो है ना ये नेगेटिव, ये है सॉफ्ट। अब ये तो बात हुई रिएजेंट की, अब इस पे बात करते हैं भाई, इसमें भी तो पता हम सॉफ्ट कौन सी, तो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, तो ये हार्ड हार्ड पॉइंट हो गया, तो इसी तरह से सॉफ्ट, और ये वाला अगर ये ऐसे गया है ना, ये यहां से यहां, ये यहां से, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा यहां पे, क्योंकि वहां तो पास में ऑक्सीजन का माइनस आयन लग रहा है स्ट्रॉन्ग, माइनस यहां कम लगेगा, और ये हो गया सॉफ्ट।
तो सॉफ्ट रिएजेंट है वो तो देता है 1:4 एडिशन, और हार्ड है वो देता है 1:2 एडिशन। अब क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। चलो ये लो, जिलमांस दिया हुआ है सॉफ्ट, अटैकिंग स्पीशीज कौन सी, CH3- कैसा है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब ये यहां अटैक करेगा, और मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला किसे बताया था, यहां किसको भेजना है न्यूक्लियोफाइल को, यहां किसको भेजना है इलेक्ट्रोफाइल को, लगता है 1:2 हुआ है बट एक्चुअली में होता क्या है 1:4 होता है। तो डायरेक्ट आंसर निकाल दो यार, कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये CH3 एजिट है डबल बॉन्ड पे, यहां ये CH3 आ गया और यहां एच आ गया, ऐसा ऑप्शन चेक करने जाओगे 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये फेलिंग सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन फेलिंग सॉल्यूशन और टोलरेंस रीजन का बेसिक फंडा ये है, फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड को देखते ही फेल हो जाता है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता। तो फेलिंग टेस्ट का बेसिक यूज क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये एलिफेटिक है ये एरोमेटिक है, इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां पे ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ये भी देगा ये दोनों फेलिंग दे देगा, तो इसको नहीं कर सकते, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, हाँ जी, HVZ रिएक्शन की बात की है, HVZ रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ पी एंड Cl2, तो पहले तो पता होगा HVZ होता क्या है, सही बात, अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन होता है सर, हैलोजिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है और अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, और ये सिंपल सा कांसेप्ट है, देखो CH3COH और ये रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, ठीक है। अब इसमें है ना बच्चा कंफ्यूज होता है सर, अगर रेड फॉस्फोरस HI आ गया तो कहानी चेंज हो जाती है, तो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, तब तो रिडक्शन होना हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ये ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस Cl2 और अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन, सबने पढ़ी है NCERT की रिएक्शन है भैया, CO और ये OH अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा। अब इसमें रिएक्शन में होता क्या है, पहले फॉस्फोरस Cl2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है PCl3, फिर ये PCl3 इस OH की जगह क्या सप्लाई करता है, Cl सप्लाई करता है, तो बनता है CH3COCl, और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। तो फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है, फॉस्फोरस पहले PCl3 में जाता है, फिर PCl3 के बाद ये OH की जगह Cl सप्लाई करता है, ठीक है। अब आपको ऐसे देते रेड फॉस्फोरस Cl2 प्लस Br2, तो सर Br जुड़ेगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये तो PCl3 बन गया, फिर यहाँ पे एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था अपना उसको देखते हैं, HVZ रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ P एंड Cl2, रिएक्शन दी है ये बनाया है, यहाँ पे सोरी थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ CH2 का लेना, द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज, देखो मैंने बोला फॉस्फोरस का फंक्शन पूछा है, एज ए कैटलिस्ट कोई मतलब नहीं है, इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 व्हिच कैरीज आउट हैलोजिनेशन एट द अल्फा कार्बन, ना जी ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 व्हिच कन्वर्ट COH इनटू COCl। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पे पहले आपको एल्डिहाइड दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन कराई है इथाइलीन थायोल से, तो ये साइक्लाइजेशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन वाली रिएक्शन, तो पहले क्या होगा, देखो एच सी डबल बॉन्ड एच, ये एच एस सी एच टू सी एच टू एस और ये एच और ये यहां से एच टू उड़ेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइक्लिक थायोकीटेन, ये बना साइक्लिक थायो कीटेन। अब ये रिएक्शन क्यों दिए हमने, हमें ये रिएक्शन नहीं बतानी है, तो एनसीईआरटी की है, जेई की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसको सबको आती है रिएक्शन और आनी भी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो आपकी तैयारी काफी पुअर है, उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब यहां पे क्या होगा, आपको दो इक्विवेलेंट RLi दिया है, ये तो बेस भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है ना सर, बहुत बेहतरीन तो बेस है, बहुत बेहतरीन और बेहतरीन ही न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अभी मैंने बोला था है हाई चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यार, तो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो पहले तो एसिड बेस ही होगा, और सबसे पहले जब दो कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल भी हो बेस भी हो तो पहले बेस की तरह व्यू करता है, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। तो ये R- क्या करेगा, इस H को हटाएगा सर, ये H हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक अब बोलो क्यों,
क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इस सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ पी पाई डी पाई से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल बाई पी पाई डी पाई, ये पी पाई डी पाई से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये बेस है। ऐसे फिर आपको इधर क्या दिया हुआ, देखो इधर दो मोल दिए ना, इधर सी एल सी एच टू सी एच टू सी एच टू और ये CH2Cl, तो यहां से क्या होगा, एक बार तो सब्स्टिट्यूशन का चांस बन रहा है, नेगेटिव चार्ज आते ही अटैक किया और इस Cl को क्या कर देगा बाहर, बट दो इक्विवेलेंट दिए हुए हैं तो ये दूसरा H भी जाएगा, इसको भी R- हटा देगा बिल्कुल, और वापस से नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इधर से अटैक करके क्या हो जाएगा बाहर, फिर साइक्लाइजेशन हो गया इसका, ठीक है। तो आप देखो कार्बन इधर, तो सल्फर सल्फर ये तो एग्जिट रह गए, इधर देखो आपके पास इस कार्बन से चार कार्बन जुड़ गए, तो ये 1, 2, 3 और ये 4 ये वाला जुड़ गया। अब उसके बाद करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ साइक्लाइजेशन हुआ था, यहाँ साइकिल टूट जाएगी, वापस ये टूटेगा OH H OH और ये H, तो इधर तो वापस से SH, तो यहाँ तो हमने कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था और यहाँ ब्रेक कर रहा है, एक अम्पोलक अनपोलक रिएजेंट की तरह व्यू करता है, मतलब ये सेंटर होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल, बट हमने इसको अम्पोलक रिएजेंट बनाया, नेगेटिव चार्ज से इसको न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे ये वापस से दो OH आ जाएंगे, H2 बाहर हो जाएगा और ये सर ये वाला आंसर आएगा, ऐसा आंसर है 4, 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, SOCl2 सबको पता है OH किस जगह क्या सप्लाई करता है, Cl सप्लाई करता है, तो पहले तो ये बन गया CH3COCl, फिर ये मिथाइल एनिलीन इसका एच किस गया, एसाइल ग्रुप जुड़ गया, तो बन गया सी एच थ्री सी ओ एन एच और ये थ्री मेटा पे आते हैं और मेटा पे ये CH3, फिर रिड्यूसिंग एजेंट डाल रखा है आपने ना, ये ध्यान रखना एमाइड अगर दिया हुआ हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये CON ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो ना और LAH दिया हुआ, तो ये CO ग्रुप को रिड्यूस करता है CH2, ये इंपॉर्टेंट है, NCERT रिएक्शन है, तो CO को CH2 में, तो ये CH2N बाकी जो ग्रुप लगे हुए, तो यहां भी LAH दिया है, अमाइड का एमीन बन जाता है, 2 डिग्री एमीन बन जाएगा, तो ये CH3 CH2 and H और ये रिंग और यहाँ पे ये CH3, ऐसा ऑप्शन चेक करने जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये उसी तरह से केनिजारो रिएक्शन ही है, केनिजारो रिएक्शन, और एक केनिजारो रिएक्शन इसी में हो जाएगी एक बार और एक बार इसी में हो जाएगी, ठीक है, तो वहां से यहां केनिजारो में एक बार ऑक्सीडेशन करवाना, एक बार रिडक्शन करवाना, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो, तो इस पे दो CHO है, ठीक है सर, तो दो CHO है, तो एक बार इसका क्या बना दूं, एक बार का रिडक्शन, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार सॉल्ट, तो एक प्रोडक्ट तो ये आने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा COD और ये COD, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इधर देखे हो जाएगी क्लियर, OH माइनस अटैक करता है तो किसी पे भी करवा दो, अगर डिफरेंट होते तो मैं उस पे कराता जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए ज्यादा रिएक्ट होता, ठीक है, तो OH माइनस ने अटैक किया, ये इधर गया, ये वापस आया, ये डी ड्यूटेराइड शिफ्ट हो गया, अभी जैसा कि हम लोग ने बेंजोइन कंडेंसेशन में एक स्टेप लिया था, तो यहां बना ये वाला, उधर बन गया COH और इधर आपके पास CO- एक डी पहले था, एक डी और आ गया, अब एसिड बेस हो जाएगी, ये H इस पे आ जाएगा, AB रिएक्शन बोल देता हूं, मतलब एसिड बेस, तो यहां उधर ऊपर की तरफ बन गया सोल्ट CO- Na और इधर आपको बस ये बताना था कि C पे दो डी है और अच्छा ये मुख्य उत्पाद ही पूछा हुआ है, ये भी बात है, हाँ नहीं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी और एक एच आएगा, तो ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन अपने पास, ये ओ एच बना ना, यहाँ पे ओ एच एच है ना यहाँ पे, तो ये थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट,
NaOH और हीट। अब देखो हमें पता है कि NaOH, एक मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर बना है तो एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन का है। दूसरी साइन सर उसमें एक एडोल हम कर सकते हैं, अगर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है तो भी वो एल्डोल का है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है तो भी वो एल्डोल एल्डोल का है। तो देखो यहां से ये हीट, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है सर, तो ये भी प्रोडक्ट एल्डोल का ही है। बट यार एल्डोल में थ्री मेंबर रिंग तो बात पस्ती नहीं है, थ्री मेंबर रिंग स्ट्रेन है, खुद से खुद ही लड़ती रहती है, टूटने के लिए तैयार रहती है। तो पहले आप ना इसको आप ऐसे कर सकते हो, हमें पहचान दें कि बनी किससे होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एच गया, एच टू गया, ठीक है, और ये सी ओ और ये सी एच टू पी एच, ये इससे बनी है। अब मैंने देखो इसको, हाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना दिया, इसको तोड़ने का मतलब बताया था ना, कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, इधर क्या लगाते हैं H2 लगाते हैं, इधर क्या लगाते हैं ऑक्सीजन लगाते हैं, तो उधर क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर CO और ये CH2PH। मतलब पहले अटैक इधर से करवा रखा था, इस साइड से अटैक करवा रखा था, तो थ्री मेंबर रिंग बन रही थी। और भी अब हमें पता लगाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा इधर भी है, इधर भी है, तो मैं इधर से अटैक करवाऊं ना, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी और उस पर पीएच लगा रहेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी उस पर पीएच, तो 5 मेंबर रिंग यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब हमें ये पता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए, तो ये देखो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अब इसको तोड़ोगे ना तो यही H2 और ये O वही बन जाएगा वापस, ठीक है। तो एक मिनट देख लेते हैं अपन, सी एच टू इसको हमने तोड़ा, डबल बॉन्ड ओ एच, इधर एच टू लगाया, नहीं भैया एल्डिहाइड आना चाहिए, तो यहां एक बार देख लेते हैं अपन क्या बना के देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच और ये एच टू और ये पी एच, ये एच टू बाहर होगा सर, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये H2 बाहर होगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग पे डबल बॉन्ड O है, मतलब उसके जस्ट वाले पे हाँ, PH ये वाला आ जाएगा, सेकंड आंसर आएगा, सेकंड, ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और गजब का इसलिए है क्योंकि जेई में आ भी चुका है, यहां द फाइनल प्रोडक्ट इज अमोनियम कार्बोनेट, ये भी बेस है, वीक एसिड वीक बेस का हाँ, मिक्सचर है ना, तो NH4 2NH4 + CO3 - 2 सर, तो इसका मतलब NH3 2NH3 और H2CO3 वीक एसिड वीक बेस, तो अमोनिया के साथ इसके साथ रिएक्शन देता है, तो एमीन बनाता है, इमीन बनाता है, इमीन बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, तो पहले ये NH3 में से अटैक होगा सर, एक बार तो अटैक कराई देते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ये वाला, ये O और ये, ठीक है, अब NH3 अटैक करेगा ना NH2H, तो मैं डायरेक्ट करवाता हूं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इस पे जाएगा और ये NH2- क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, तो पहले बनेगा ये O डबल बॉन्ड, ये वाला, ये वाला, और यहां पे बन गया आपके पास OH और इधर आपके पास हो गया NH2 और इधर हो गया ये वाला, अब भी तो न्यूक्लियोफाइल है सर, अभी फिर दोबारा भी रिएक्ट कर सकता है, तो दोबारा अटैक कर जाएगा ये यहां से, हां और ये यहां से, तो इधर वापस यहां से H जो है वो इस पे चला जाएगा, बिल्कुल, तो इधर बन गया OH और ये 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 और OH इधर भी आपके पास ये OH और इन दोनों के बीच में आ गया NH। अब आपको हीट दी हुई है, हीट तो एलिमिनेशन को सपोर्ट करता है, तो डिहाइड्रेशन करो, देखो H और ये H2O बाहर निकला और यहां से ये H2O बाहर निकला, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड बना, वो ये वाला बना, ये डबल बॉन्ड और ये NH आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंसर्शन आ गया, इंसर्शन हो गया और कार्बिन इंसर्शन हो गया, कार्बिन इंसर्शन, भाई ये डाइएजोमेथेन है और इसको हीट करोगे तो कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसको अगर देखोगे तो इस रिएक्शन को लगा भी दोगे आप, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें तो CH2 का वैसे तो इंसर्शन होगा हो, और अगर आप रिएक्शन को लगाना चाहो तो लगा भी दो, देखो CH2- और ये N2+ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा देंगे, डबल बॉन्ड O, ये अटैक और ये यहां से,
तो ये बन जाएगा O माइनस और ये CH2 और ये N2, फिर ये N2 पॉजिटिव। अब माइग्रेशन, अब ये यहां से यहां और ये ग्रुप माइग्रेट और ये N2 क्या हो जाएगा बाहर। तो ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है, इस CO और इस कार्बन के बीच में CH2 का क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है, रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा आंसर, ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेलेनियम डाइऑक्साइड एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही बात, और ये फेमस है एलाइलिक पोर्शन पे एल्कोहल बनाता है, बेंजाइलिक पोर्शन पे भी एल्कोहल बनाता है, बट एल्काइन के साथ ये विसिनल डाइकार्बोनिल बनाता है, एल्काइन के साथ ये विसिनल डाइकार्बोनिल बनाता है। तो यहां पे ये SiO2 मैंने बोला एलाइलिक पोर्शन पे एल्कोहल बनाता है, बेंजाइलिक पोर्शन पे एल्कोहल बनाता है, बट एल्काइन के साथ ये विसिनल डाइकार्बोनिल बनाएगा, मतलब वही प्रोडक्ट बनेगा जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस अगर एल्काइन का करवाएं तो बनता है। सेम, बिल्कुल सेम। तो यहां पे ये बनेगा पहले PHCO CO PH, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसको बेंजल बोलते हैं और रिएक्शन होगी बेंजल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बेंजल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन अटक रहा है तो आप जाके इस रिएक्शन को पढ़ाइए, वहां देखे आपका क्वेश्चन लग जाएगा, हर चीज की मैकेनिज्म बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, आप ही कहोगे कि सर एक एक घंटे का वीडियो उससे लंबा हो जाता है, देखा नहीं जाता है। सही बात। तो बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगा तो उसमें बेस दिया हुआ है ना, तो आपको वो तो आती होगी ना, केनिजर उसकी तरह करवाओ यार, देखो ओ एच माइनस का टेक करवाओ, पी एच सी ओ माइनस और ये सी ओ और ये पी एच ओ एच, ये घूमता है फिर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो हाइड्राइड ये यहाँ पीएच है तो पीएच शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इधर सी ओ एच और उधर सी ओ माइनस और ये पीएच और ये पीएच, अब ये एसिड ही है बेस, ये एच चला जाएगा, तो उधर फिर आपको हीट दिया हो तो एसिड बना दो या सोल्ट बना दो, सोल्ट बनेगा ओ माइनस एन ए प्लस और इधर ये सी ओ एच पी एच पी एच बेंजाइलिक एसिड का सोल्ट बन जाएगा, ठीक है, यस ऑप्शन ये रहा है। नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, आइडेंटिफाई एस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये एच एसिडिक नेचर की होती है कि नहीं होती है, एरोमेटिसिटी के लिए वो एसिडिक, क्योंकि इसका कंजुगेटेड में स्टेबल बाय एरोमेटिसिटी, नेगेटिव चार्ज आएगा सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एच डोनेट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस है ही है, तो ये एच जाएगा, तो इधर तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H6 बेंजीन, और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कुछ, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बन गया ये वाला, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये यहां से यहां, तो पहले ये बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा ये फाइनली, ठीक है, फाइनली ये H3O+ दिया हुआ है ना, तो इस पे H+ चला जाएगा, ठीक है, यहां से ये बॉन्ड लगा हुआ है, ये COH और ये CH3 और ये CH3, फिर आपको H+ हीट दिया है, कार्बन का टैंक बना दीजिए H और ये OH H2 क्या हो जाएगा बाहर, डिहाइड्रेशन, फाइनली प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइरल C6H16O2, कंडीशन आप देखें क्या होना चाहिए, काइरल होना चाहिए पहले, डाइओल होना चाहिए, काइरल होना चाहिए, तो काइरल डाइओल देखो इसमें तो प्लेन लग गई, इसमें तो प्लेन, तो इसका मतलब नहीं है, इसमें इसमें प्लेन नहीं लगी है, ये अबाउट द प्लेन है, बिलो द प्लेन, ये तो है ये वाला, ये भी काइरल डाइओल, 1 2 3 4 5 6 7, बट ये काइरल है या नहीं है, ये काइरल नहीं है, यहां से प्लेन लगाओगे तो ये वाला पार्ट इधर नहीं है, तो ये काइरल वैसे नहीं है, ये वाला वैसे नहीं है, तो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, फिर भी हम आगे जाते हैं। डायोल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पीसीसी, हमें पता है पीसीसी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिल कंपाउंड में, तो एन ए काइरल, तो जब यहां से H2 निकल जाएगी तो काइरल स्थिति खत्म हो जाएगी, sp3 sp2 में चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड ओ पीसीसी डालोगे इस पे, ठीक है, फिर यहां पे ये वाला और ये डबल बॉन्ड ओ वैसे भी खत्म हो गया, अब ये sp2 हो गया तो वैसे काइरल भी खत्म हो गई, तो आंसर जाएगा सेकंड, सिंपल क्वेश्चन, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, SOCl2 बार-बार बात कर चुके हैं, बार-बार बात कर चुके हैं, Cl सप्लाई करेगा, और चूंकि काइरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं है तो ओरिएंटेशन तो उसी तरह से रहेगा, उसी तरह से रहेगा, गुड, क्योंकि काइरल सेंटर से आगे रिएक्शन हुई है तो वहां चेंज नहीं होगा, NH3 ये सबको पता ही है, NH2 सप्लाई कर दिया इसने, ये HCl बाहर हो जाएगा, तो पहले बन जाएगा आपके पास ये वाला, यहां पे ये सी ओ एन एच टू
और इधर ये CH3। अब बोला है P4O10 और हीट, तो डिहाइड्रेट भी कर देता है, डिहाइड्रेट ही करेगा सर। ये एमाइड के साथ हमेशा डिहाइड्रेट करता है और डायरेक्ट नहीं करवाना, एमाइड को पहले आप इनोल फॉर्म में लेके जाओ, उसके बाद आप डिहाइड्रेशन करवा सकते हो। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग। वैसे ये P4O10 एस्टिक एसिड से एस्टिक एनहाइड्राइड भी बना लेता है। हाँ, वहां भी H2 दो मोल को मिला के बाहर निकलता है, वहां पर दो मोल से डिहाइड्रेशन होता है। अब देखो ये वाला है ना, तो ये H2 बाहर निकल जाएगा। अब बोल रहे हो तुम कि कैसे निकलेगा, तो देखो ये CH3 तो है ही है, मान ली जाएगा उससे, ठीक है, ये C है, मैं इसका टोटोमराइज दिखाऊंगा, तो ये OH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, ठीक ये बनेगा, इससे H2 बाहर निकालो, देखो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट भी कर रखा है उसके लिए, हाँ हीट कर रखा है, H2 बाहर हो जाएगा, तो साइनाइड आपका अबाउट द प्लेन ही रहेगा, CH3 बिलो द प्लेन ही रहेगा, सही। ये आइडेंटिफाई रिएक्शन करेक्टली मैच विद देयर मेजर प्रोडक्ट वन मोर देन, मतलब एक से ज्यादा है, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन अभी है। देखो यहां पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, ये थोड़ा एक गलत Cl2 नहीं है, Cl ही है यहां पे, तो ये इस पे अटैक कर गया, तो पहला प्रोडक्शन इस पे ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर Br2 AlBr3, तो Br जाएगा पैरा पे जाएगा डेफिनेटली, ये पैरा पे Br चला गया, केमोनोफोर NaOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिंग के ऊपर कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसको COH में लेके जाता है, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो, यहाँ हाइड्रोजन है सर, हाँ, तो यहाँ ये बन जाएगा पहले COH और ये Br, ये यहाँ तक हो गया। अब नाइट्रेशन करवाया, तो नाइट्रेशन में Br की चलेगी या COH की चलेगी, Br की चलेगी क्योंकि उसका प्लस R लगता है, तो Br की और तो पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो Br पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे NO2 चला जाएगा, फिर Cl2AlCl3 वापस से हेलोजिनेशन, तो अब Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, किसका ऑर्थो, NO2 मेटा डायरेक्टिव, ये मेटा, COH का मेटा, तो यहां की कौन सा जाएगा, Cl, ये रिएक्शन सही है। ऐसे इसमें बात करूं तो ये दो इक्विवेलेंट एजेंट इधर से भी जुड़ जाएगा, बिल्कुल, और ये इधर से भी जुड़ जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हेडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो ये बन जाएगा सर, पहले इंटर फिर इंट्रा हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, सही बात है, ठीक है। अब फिर Br2AlBr3, तो इसकी पैरा पोर्शन ये हो गई, इसकी पोर्शन पैरा पोर्शन ये हो जाएगी, तो एक मोल दिया, फिर नाइट्रेशन, तो इसकी और मेटा पोर्शन, इसका और तो पोर्शन ये हो गया, तो ये भी सही है। यहाँ पे हो इटार्ड रिएक्शन है ये, और इटार्ड रिएक्शन तो CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है, ये रिएक्शन गलत है, ये वाली सही है, आपको हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, तो ये ऐसे लिख के बता देते हैं इसको, बेटा ये वाला लिया मैंने COH पहले, और ये CO H ये, फिर दो बार रिएक्शन होगी H2N साइक्लाइजेशन होगी H2O, तो इसमें सही फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, गलत थर्ड है, और वो पता लग गया। एक चीज इसमें सर एक थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हीट H प्लस दिया है, हाँ, तो वो एसिडिक मीडियम में होती है ना रिएक्शन, ये हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में होती है, क्योंकि एलिमिनेशन है तो हीट भी दिया हुआ है, रिएक्शन तो सिक्वेंस ही होगी, अगर हम देखें इसको तो हम देख सकते हैं, ये देखो ऐसे हुई है रिएक्शन सर, COH था है ना, और ये NH2 और ये NH2 है, तो ये अटैक और ये यहां से यहां, इधर भी COH है सर, तो पहला तो ये बना अपने पास, ये वाला बना COH और ये NH और ये NH2, बिल्कुल, और इधर ये CO और ये H, तो फिर ये भी अटैक करेगा, बिल्कुल, ये यहां से यहां, अब फिर ये बन जाएगा COH, ये OH, ये NH और ये N, ये H और इधर भी COH, ये H2O और ये H2O, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड आ रहा था वहां भी आ रहा था डायरेक्ट, वो भी सही हो गया, हाँ सही था ना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें भी, ये भी सही था, ये अपने डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बताया ना, H2N ये जुड़े हुए हैं, ये H2O, तो यही बन रहा है, सेम ही बन रहा है। नेक्स्ट, तो वो वाला भी आंसर सही था उसमें, हाँ शायद हमारे बोलने मैकेनिज्म बताइए हमने, वो डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बताया, वन और मोर देन है ये भी, और 20 नंबर क्वेश्चन है, P और Q से बना है H+,
तो ये देखो इसको हम वापस ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये एसीटेल है, ये एच लगा हुआ है यहाँ पे एसीटेल है, और एसीटेल को ब्रेक कैसे करते हैं, इधर ओ एच, इधर एच, इधर ओ एच और इधर एच। तो उधर तो सर यहां पे अगर यहां बात करें ना तो यहां तो सी एच थ्री और सी एच टू एक कार्बन पे आ गया, सी एच थ्री सी एच ओ एच ओ एच एच टू क्या हो जाएगा बाहर, ये सी एच थ्री सी ओ एच बना है बिल्कुल, और इस साइड अपने पास बना है ओ एच, ये ओ एच ये वाला और ये सी ओ एच, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी तो ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम तो ये रिएक्शन देखो, ये एसिड है और ये एल्कोहल ग्रुप है, दोनों ग्रुप है इसमें, एस्टरीफिकेशन का चांस बन रहा है इसमें, तो ठीक है ये एसिड है, ये एल्कोहल ये भी है और ये भी है, बट एस्टरीफिकेशन के लिए 1 डिग्री एल्कोहल मोस्ट एक्टिव, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड। तो इसका एच और इसका एच टू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो उस वे में अगर रिएक्शन को लेके जाएंगे तो हमारे पास P एंड Q मस्ट बी CH3COH, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपने पास बना ही नहीं ना, ये वाला ये तो बना ही नहीं है, P एंड Q मस्ट बी ये वाला बना है अपने पास, ये वाला बना है, ये रहा, ये रहा P और ये रहा Q। फिर बोल रहा है R मस्ट बी, तो R आप देखो 3 डिग्री एल्कोहल आपका अनरिटेन रहना चाहिए, दो ओ, दो ओ तो कहां से आएंगे, ये तो मतलब ही नहीं है ये वाला। तो ये थे 20 क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड से रिगार्डिंग, नेम रिएक्शन का थोड़ा सा है आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने बेंजोइन कंडेंसेशन बताई, परकिन रिएक्शन बताई, और एक हमने आपको पता होगा तो हमने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन काफी लिए, बेकमैन्स रिएजमेंट हमने लिए, बाकी अदर एसिड डेरिवेटिव की नेम रिएक्शन वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, देखिए वीडियो को एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड कंटेनिंग एसिड डेरिवेटिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।